हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉली पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं काजल देवगन के हवाले से। जी हाँ, अजय देवगन, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर खूब राज किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उनकी वाइफ काजल देवगन भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पंजे गाड़ रखे हैं और आज भी लोगों के दिलों पर काबिज हैं। लेकिन अब मुख्तलिफ ज़राए से काजल देवगन के हवाले से एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि काजल देवगन की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उनकी बिगड़ती हालत की वजह ओमिक्रॉन है। जी हाँ, काजल देवगन ओमिक्रॉन का शिकार हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने काजल देवगन को मुकम्मल बेड रेस्ट करने का कहा और ये भी कहा कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग मत करें। लेकिन काजल देवगन ने डॉक्टर्स की बात ना मानी और शूटिंग करती रही। आज मुख्तलिफ जराए से ये खबर सुनने को मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि काजल देवगन की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो खुद को रिकवर ना कर पाई, जिसके कारण उनका निधन हो चुका है। जी हाँ, काजल के निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन हम आपको हकीकत से आगाह कर दें कि काजल के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनका निधन हो चुका है। अगर आपने कोई ऐसी जानकारी ले रखी है तो ऐसी बातों पर यकीन मत करें, क्योंकि उनके हवाले से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये खबर बिल्कुल झूठी है, इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है। काजल जिंदा है और अपने घर में अपने फैमिली के साथ बिल्कुल खुश नजर आ रही हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। वेल, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आए दिन हम आपको नित नई खबरों से आगाह करते रहें। शुक्रिया।